करना चाहेंगे? अमिरुल कैसे देख रहे हैं हरियाणा चुनावों को? हम तो देख रहे हैं किसानों की नाराजगी के तौर पे। भाई हरियाणा चुनाव तो बीजेपी वैसे भी हारी पड़ी थी और लोकसभा चुनाव ने भी बताया और आगे भी हारेगी, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बाकी किसानों का मुद्दा, जाटों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा तो हावी है ही। विनेश फोगाट के साथ क्या किया सरकार ने और किस तरीके से ठीक उसकी अवमानना होती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो गिनवा रहे हैं कि किसान भाइयों भूलना मत कि मोदी जी ने राशन से लेकर हर एक चीज मुहैया कराई है आप लोगों को। हाँ, वो वही तो गिना रहे हैं कि भूलना मत कि हमने तुम्हें इस कगार पे पहुंचाया कि हम तुम्हें राशन मुफ्त में देंगे, तुम्हारी ये स्थिति कि तुम कमा के खा भी नहीं सकोगे, वो याद दिला रहे। तो इलेक्शन तो हार रहे हैं। माहौल किसका देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो गठबंधन भी नहीं है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अपना हिसाब अलग लेकर चल रही है। नहीं, देखिए बीजेपी का हारना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब कोई शासन में लगातार बना रहता है तो वो निरंकुश हो जाता है, ठीक है, उसमें तानाशाही आ जाती है। और कुछ टाइम से भाई गवर्नमेंट जो है, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, वो इसी हिसाब से विचार भी कर रही है। फिलहाल तो हरियाणा से बीजेपी तो साफ होनी है, निश्चित है। इसमें वजह वजह है वहाँ का जो कानून व्यवस्था है, वहाँ का जो शासन प्रशासन है, वहाँ की बेरोजगारी जो है, युवा जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। युवाओं को तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अब क्या आत्मनिर्भर कितना लोग बनेंगे? जब आत्मनिर्भर बनेंगे, सब आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो खरीदारी कौन करेगा? हम ठेला पकौड़ा बेचेंगे, खरीदेगा कौन? ये भी तो सोचो। तो पकौड़े बेचने में क्या शर्म मोदी जी ने करा? तो खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, हम बेचेंगे, खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। यहाँ भी देख लो कितने दुकानें लगी हुई हैं, कितने कितने रिक्शे चल रहे हैं, कितने बेरोजगार युवा रिक्शा चला रहे हैं, वो क्या करेंगे? सब रिक्शा ही ले लेंगे तो सवारी के लिए बेचारे दिन भर सुबह 5 बजे आते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे जाते हैं, 500 रुपये इकट्ठा करके लेके जाते हैं। कैसे देख रहे हैं हरियाणा चुनाव को? मैम उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट अगर आप गवर्नमेंट बात कर रहे हो तो जैसे सर ने बोला कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, पर उसके लिए क्या है कि एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए। अभी दो बड़े डोमेन हैं, एक तो इंजीनियर्स, एक डॉक्टर्स। नीट का एग्जाम अभी हुआ, उसमें पेपर लीक हुआ, 720 out of 720 लाने वालों को भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रही है। मैं जेई डोमेन से हूँ, मैंने जेई का एग्जाम दिया था, मेरा क्लियर भी हुआ, लेकिन उस टाइम पर जेई मेंस का कट ऑफ गया, 15 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया। और जो सीट्स हैं IITs NITs में टोटल मिला के 15 से 16 हज़ार IITs में हैं, 25-26 हज़ार सीटें NITs में हैं। तो जब और उसके बाद बच्चा क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसे 12 से 15 लाख रुपए फीस IITs में NITs में फीस देनी पड़ती है। एक मिडिल क्लास का बच्चा, लाइक मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे को एजुकेशन लोन लेना पड़ा जिसका इंटरेस्ट रेट 10.5% है, वहीं पर आप होम लोन लेते हो 8.5% है, FD पे कराते हो तो 5-6% पे जाता है। तो बताओ कि अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट बने तो कैसे बने? हमारे पास ऑप्शन ही तो नहीं है ना। बताइए, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन कुछ छोड़ा ही नहीं है, कह रहे हैं। देखिए ऑप्शन तो व्यक्ति की किस्मत भी होती है और मेहनत भी होती है। हाँ। अपना विजन क्लियर होना चाहिए। मेहनत तो बड़ी करी है मैंने, पर मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है। हाँ। वो भी 1000 रुपए 500 कमाई लेता है, वो भी रिक्शे वाले सेंटर। तो युवा इसमें सर, देखो मैडम एक सिस्टम होता है, जब सरकार ने एक सिस्टम बना दिया, पहले भी तो यही बनते थे, अब तो संविधान भी चेंज किए जा रहे हैं इसी इन्हीं कामों के लिए कि कोई व्यक्ति परेशान ना हो। संविधान खराब है उसमें डंडा, हर चीज खराब है उसमें डंडा, खराब नहीं है। कहने का मतलब है एक सिस्टम होता है, संविधान को चेंज करना है, व्यवस्थाएं बदलनी है, टाइम तो लगेगा। आपका पूरा ही बिछड़ा हुआ है उसको समेटते टाइम लगेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं रिश्तेदारी नहीं है, काम मैं भी अपना करता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ। मुझे किसी पार्टी से राहुल गांधी भी ठीक होगा, मेरे लिए अच्छा करेगा तो ठीक होगा, देश के लिए अच्छा करेगा तो ठीक होगा। मानसिकता क्या है कि मैं मेरा, ये सोचते हैं हम, देश के लिए सोचते ही नहीं है। मैंने मेरा मुझे मिला क्या, ये थोड़ी ना बात होती है। आप जापान में चले, टाइम लगने से पहले उन मुद्दों पे बात भी तो होनी चाहिए ना। आप अमेरिका की बात कर लेते हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हर साल इंडिया से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वो एक्सपेंसिव है, फिर भी वहाँ पे उन्हें स्टडी एड भी मिल जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप भी देती है। इंडिया की गवर्नमेंट जिसमें मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली, एक माँ बाप 20-20 लाख रुपया खर्चता है उनको भेजने के लिए और लोन लेता है, और यहाँ वो कहाँ से आता है? तो इंडिया गवर्नमेंट तो नहीं, कितनों का स्कॉलरशिप पे भी जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं। 20 लाख रुपया आपने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया तो यहाँ व्यवस्था मिलकर क्यों नहीं बना सकते आप? 20 लाख लगाने की जगह भी तो होनी चाहिए ना, कॉलेज नहीं है इंडिया में बेटर, कहाँ लगाएंगे 20 लाख रुपये? मैं दे रहा हूँ 20 लाख रुपये कांग्रेस से पूछो, मैंने कांग्रेस बताएगी, ठीक है वो बताएगी। 10 साल से बीजेपी है ना, 10 साल से बीजेपी है ना, 70 साल में क्या किया उसने? 5 साल में 5 साल मायावती रही शासन में, किसी भी लड़की 5 साल रेप नहीं हुआ था,
उस समय कोई कानून व्यवस्था नहीं थी लड़कियों के लिए। 70 साल में 23 नहीं हुआ, बीजेपी ने 70 साल में 20 IITs बनाए, कांग्रेस ने, सॉरी नॉट बीजेपी। अगर ये कह रहे हैं कि अगर 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है तो उन्हें देश को एम्स दिए हैं, IITs दिए हैं। और अगर मेरा मेन मुद्दा ये है कि लाइक मैं भी 2-3 साल से पॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, सिर्फ धर्म के अराउंड बातें रिवॉल्व करती है, एजुकेशन की बात कहाँ हो रही है बताओ मुझे आप, कौन से मीडिया चैनल पे आप एजुकेशन की। बांग्लादेश चले जाओ और कलकत्ता चले जाओ, पता चल जाएगा। ये कोई पॉइंट नहीं है, आंसर नहीं मिला तो आप जा रहे हैं, आंसर नहीं मिला तो आप जा रहे हैं। बात करिए, आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या समझ पा रहे हैं बताओ। लाइक देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट जो लोग ले रहे हैं ना, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है, काम धीरे धीरे कर रही है, लेकिन अभी क्या है ना कि लोगों की मजबूरी है बीजेपी को गवर्नमेंट देना, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई ऐसा स्ट्रांग फेस नहीं है जो पीएम के पोस्ट के लिए सामने कर सके। वो मोदी लोगों की मजबूरी बन चुकी है इस टाइम पे। ऐसा होता है ना कि लाइक मार्केट में गए, हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें उसी को लेना है बस, मतलब बीजेपी की डोमिनेंस हो चुकी है पूरी तरीके से। सरकार हरियाणा में भी कांग्रेस आ रहा है, दिल्ली में भी कांग्रेस ही आ रहा है। वजह कांग्रेस आने की वजह महंगाई बहुत कर रखा है बीजेपी, महंगाई इतना कर रखा है कि 1000 रुपए 50 रुपए तक टमाटर है, 100 रुपए प्याज है, कहाँ से कोई खाएगा। तो कह रहे विकास भी तो हुआ है, विकास क्या कर रहा है, रोड बना के क्या कर रहा है, यहाँ मर जाएगा आदमी भूखा। विकास क्या कर रहा है, पब्लिक के देता पैसा, रोड क्या बना देगा, रोड लेके जिएगा आदमी मर जाएगा। ऐसी रोड वाला जो ये 400 रुपया 8 घंटा में कमाता है, 50 रुपये टमाटर खरीद के खा लोगे, 4 बच्चा पाल लेगा। मोदी तो ऐस कर रहा है, कभी विदेश जा रहा है, कभी यूक्रेन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इंडिया के पैसा लेके जा रहा है ना, 4 बच्चे करने ही क्यों है? बताइए, लेकिन कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है, बर्बाद कर दिया इंडिया को प्राइवेट करके, बेच दिया सब कुछ, गवर्नमेंट को बेच दिया, प्राइवेट करके बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूछो क्यों, एक बात बताओ, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, जाके देखना कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो कोई पूछता तक नहीं है, लोग बैठ के बस सरकारी नौकरी के पैसे तोड़ते हैं। कांग्रेस के राज होगा ना, प्राइवेट होगा तो लोग काम करेंगे, प्राइवेट होगा तो लोग काम करेंगे, सरकारी में लोग। अगर आप सर्च करोगे तो हर हिंदुस्तानी कर्जे में है इस टाइम फिलहाल, बीजेपी की सरकार में जो हिंदुस्तानी है, हम तुम जो आवाम खड़ी है, हर हिंदुस्तानी कर्जे में है। क्या हरियाणा चुनाव है और किसान खुश है, वो खुश है किसान या नहीं? किसान तो खुश हो गए, अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और क्या करेंगे। वो कह रहे बेटियां भी सुरक्षित है, कौन कह रहा है बेटियां भी सुरक्षित है, हर जगह सबसे जो मतलब अच्छा वो त्योहार है राखी का, रक्षाबंधन, वो हिंदुस्तान में मनाया जाता है और कहीं नहीं मनाया जाता। लेकिन जो सबसे ज्यादा रेपिस्ट जो मतलब केस हो रहे हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही हो रहे हैं, ऐसा क्यों, कौन कह रहा है? हिंदुस्तान में नहीं है सबसे ज्यादा रेपिस्ट केस, और भी देश है। मैं कह रहा हूँ आप डेटा चेक करो इंटरनेट पे, सिर्फ हिंदुस्तान में रेप नहीं होते हैं, और भी देश है, लेकिन रेप होना गलत है। हमारी बहनें किसके वजह से खराब है, एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कानून व्यवस्था, अगर आप किसी का होना नहीं चाहिए, हमारी माँ बहन घूम रही है, हम सब भी लोग हैं ना, समाज का ही लोग है ना, तो क्या समाज की जिम्मेवारी नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है कि वो बचाए? समाज की जिम्मेवारी रेप के लिए, मर्डर, रेप के लिए, मर्डर के लिए, सबके लिए कानून बनाए गए हैं, सख्त सख्त सजा दी गई है क्या, लेकिन लोग डरते हैं उस कानून से, कानून व्यवस्था आप कह रहे हो, लेकिन लोग आप कह रहे हैं बीजेपी ने बर्बाद किया, उसकी वजह क्या, क्या कारण नजर आते हैं जनता की, क्या समस्या है? समस्या तो ये है कि शिक्षा पे तो कोई ध्यान नहीं दे जा रहा ना, मतलब कोई ऐसे रोजगार पे ध्यान दिया जा रहा है, बस धर्म के नाम पे आपस में पब्लिक को एक दूसरे से भिड़वाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है बीजेपी इस बार वापसी करेगी या नहीं हरियाणा? हमें तो लगता नहीं, मुश्किल। विकास, विकास का नारा जो दे रहे थे कितना सफल लग रहा है? कोई भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जगह बोला सब्सिडी आएगी, सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर कहाँ, पहले 400 करके सब्सिडी गायब कर दिया, 1800 रुपए का सिलेंडर कर दिया, डायलॉग मार के वोटिंग कर लिए पब्लिक से, आज लोग कभी 1500 रुपए तक नहीं आया आज तक खत्ते में किसी के। मोदी डायलॉग में ही इंडिया के डायलॉग सुना सुना विदेश भाग रहा है, पैसा लेके लूट रहा हो विदेश का, इंडिया को। ये तमाम जनता है जो सीधे तौर पर हरियाणा चुनाव पर अपनी राय प्रतिक्रियाएं, तमाम लोगों की सीधे तौर पर आपको देखने को मिली कि हरियाणा चुनाव पर इस बार क्या बोल रही है जनता।